नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। नोएडा में निकाली गई जन विश्वास यात्रा, आइए देखते हैं जन विश्वास यात्रा की एक झलक। सेक्टर 57 से हमारे बीच हमारे नोएडा के यशस्वी विधायक माननीय श्री पंकज सिंह जी और डॉक्टर महेश शर्मा जी जो नोएडा के सांसद हैं और तमाम अतिथिगण और बीजेपी के जो है बड़े वरिष्ठ गण जो इस यात्रा को सफल बनाएंगे। जन विश्वास यात्रा हमारे बीच से अभी कुछ मिनटों में गुजरेगी। हम सभी लोग उसके लिए यहाँ पे उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन और वंदन में खड़े हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी नोएडा में इस प्रकार की स्वागत समारोह मनाया जा रहा है सभी शांतिमय ढंग से और मास्क लगाकर जो है कि उसका इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। और सभी देशवासियों से यही अनुरोध करता हूं कि 2022 में होने वाली विधानसभा के चुनाव में सभी लोग योगी जी को वोट करें ताकि हमारा जो है कि भारत एक स्वच्छ भारत और अच्छा जो है कि प्रशासनिक व्यवस्था हो और सभी को रोज़गार मिले, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं, यही हमारी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास यात्रा में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और माननीय विधायक पंकज सिंह जी और यहाँ के माननीय सांसद जी श्री महेश शर्मा जी, जिनका हम लोग स्वागत के लिए यहाँ सेक्टर 3 के रेड लाइट पे खड़े हुए हैं और इस जन विश्वास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी की योगी जी की सरकार यूपी में लाने के लिए हम लोग कर्मठ और मेहनत करके यूपी में योगी सरकार लाना चाहते हैं। जय श्री राम। जन विश्वास यात्रा चल रही है बीजेपी, मतलब कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, और भी जो लोग जो हमारे विधायक माननीय विधायक जी पंकज जी हैं उनके स्वागत में हम लोग खड़े हैं। और हम जैसे कि बीजेपी ने बहुत कुछ काम किया, ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था से लेकर बहुत कुछ और भी बड़े बड़े मुद्दे पे उन्होंने काम किया और हम सभी उनसे खुश हैं। और कुछ चीज़ भी है जो उनको हमारे तरफ से, हम एक युवा हैं तो युवा के दृष्टिकोण से हम कुछ कहना चाहेंगे कि वो जो सारे काम तो कर रहे हैं पर कुछ युवा पे भी बेरोजगारी जो इस समय का मुद्दा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उन पे कुछ ज़्यादा थोड़ा अगर ध्यान दे रोज़गार पे तो युवा भी काफ़ी खुश रहेंगे। वैसे उनके काम से सबको ही खुश है और सबको ही वैसे भी सपोर्ट करता है बीजेपी को ही। धन्यवाद। हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं बीजेपी की जो जन यात्रा है उसको यहाँ पर स्वागत करने के लिए, हमारे जो विधायक हैं पंकज सिंह जी उनका स्वागत करने के लिए, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के लिए। और हम सबसे कहेंगे कि भाई आने वाले समय में बीजेपी को ही जिताएं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, यहाँ पे लगभग सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो सबसे भाई यही निवेदन है कि सब लोग आने वाले समय में भी योगी आदित्यनाथ को ही CM बनाएं। धन्यवाद। पंकज सिंह विधायक और जेपी नड्डा जी अध्यक्ष जी आ रहे हैं और इसके स्वागत में हम लोग सारे पूर्वांचल बिहार संघ के नवयुवक संघ इसे सफल बनाने में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि अब की भी योगी सरकार ही आए और पूर्ण रूप से जिस तरह से विकास हो रहा है और भी ज़्यादा विकास हो और उन्हीं को लोग वोट करें और फिर से विजयी बनाए। पूरे पूर्वांचल बिहार के सदस्यों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे यहाँ नोएडा के वर्तमान और भावी विधायक माननीय बड़े भैया पंकज सिंह जी और तमाम हमारे जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य और जितने भी अतिथिगण हैं उनके स्वागत के लिए हम लोग यह जन विश्वास यात्रा के लिए खड़े हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये यात्रा सफल होकर के रहेगी और यूपी की फिर से योगी जी की डंका बजेगी। इसी के साथ जय श्री राम।
जो इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। हम लोग पूर्वांचल बिहार संघ के तरफ से उनका स्वागत कार्यक्रम करेंगे। माननीय विधायक नोएडा के पंकज सिंह जी भी आ रहे हैं, हमारे सांसद महेश शर्मा जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी का भी कार्यक्रम है। इस यात्रा को हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत भव्य रूप से मनाएं, आने वाले समय में भी ये यादगार रहे, ताकि लगे कि भाई युवा वर्ग चाहे देश के जनता जग चुकी है और हम लोग चाह रहे हैं कि 2022 में फिर से योगी जी की सरकार बने, देश में गुंडागर्दी, सुशासन, सफाई के मायने में। अब नोएडा भी पहले था, अब नोएडा 4 नंबर पर, सफाई के मायने में 4 नंबर पर नोएडा आ गया। इसके लिए मैं नोएडा अथॉरिटी के तरफ से सफाई कर्मियों को, अपने पूर्वांचल बिहार संघ के तरफ से तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।